न्यूज़ में देखा, पेपर में पढ़ा है, देखा मैंने ये तीन चार दिन से जो चल रहा है इसमें, तो पहला ऐसा है ना मैडम कि इन्होंने मुंबई कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा है, जो मंत्री आए हैं ना ये कर्नाटका से, उन्होंने उनको भी लेटर लिखा हुआ है कि हमको सिक्योरिटी दीजिए, हमको इधर जान का खतरा है। वो मंत्री हैं कर्नाटका के, आमदार हैं कांग्रेस के, वो कर्नाटका छोड़ के मुंबई में आके छुप रहे हैं। तो इससे समझ आता है कांग्रेस कहाँ पे है आज, कांग्रेस का अभी क्या विस्तृत रहेगा, क्या ताकत रहेगी, वो सबको दिख रहा है। जब कांग्रेस के लोग ही जो मंत्री पद पे आमदार है वही सेफ नहीं है तो बाकी जनता कहाँ से होगी, तो बहुत हैरानगी होती है। आज मैंने देखा न्यूज़ में भी और सुना भी, संजय निरुपम साहब, मुरली देवड़ा जी सब उधर पहुंचे हुए थे उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे पुलिस को मजबूरन 144 धारा लगानी पड़ी, एक होटल के बाहर 144 धारा लगती है जहाँ पे मंत्री रुके हुए हैं। तो सोच ले 144 कहाँ लगती है, जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ खतरा होता है, 144 वहाँ लगाती है पुलिस, वो भी लास्ट में। तो एक जहाँ पे कर्नाटका के मंत्री आमदार साहब रुके आके, वहाँ पे 144 धारा लगती है, वो भी क्यों, कि कांग्रेस के कोई लीडर वहाँ पे आने वाले, खतरा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए समझ आ रहा है कि कांग्रेस अब कहाँ जा रही है, और ये आने वाले चुनाव जो थे खासदार के, उसमें जनता ने मुंबई में खासकर और महाराष्ट्र में बता दिया कि कांग्रेस क्या और शिवसेना क्या है। लोगों ने प्यार दिया, 6 की 6 सीटें मुंबई में शिवसेना भाजपा की आई है, और आने वाले आमदार के चुनाव में भी कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, दिखेगा आप लोग को कि शिवसेना क्या और कांग्रेस क्या। देना ही है ना मैडम रिजाइन, वो मुंबई अध्यक्ष है, राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब गुरु रिजाइन देगा तो चेला भी देगा। ये घर पांच बोलते हैं ना, घर राज्य से, आज ये राजा क्या दूसरा राजा का बेटा ही बैठेगा। तो राहुल जी अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपनी मर्जी से बाकी लोगों को मनाया, जब राहुल जी ने छोड़ा तो बाकी भी छोड़ेंगे, जब गुरु गया तो चेला भी जाएगा। और ये खाली दिखाने को कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर है, ये कांग्रेस वही है। शिवसेना ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है स्टार्टिंग से और आगे भी करेगी, और ये हमारे शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव जी का जो आदेश है और जो पॉलिसी है शिवसेना की, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। शिवसेना ने कभी मंत्री पद हो या राजनीति में कोई भी सत्ता हो कभी इसका लाभ नहीं उठाया। उद्धव साहब ने क्लियर किया पहला भी और अभी भी कि जो जनता के भले में होगा, जनता के हित में होगा, वही शिवसेना चाहेगी और वही करेगी। पर हमारा ये उसका ये उदाहरण है, शिवसेना ने कभी भी सत्ता में आने का वो नहीं किया, ना उनको लाभ रखा। जब सत्ता में लोगों का भला होगा तो ही आए हैं, नहीं तो हम लोग अपक्ष विपक्ष में बैठ के काम करना अच्छा समझा है। पर ये बीच में हुआ भी है, देखा भी आप लोग ने, चलो बीजेपी ने समझौता किया, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, मतलब एक युति हुई जनता के भले के लिए, और ये शिवसेना ने जो युति की लास्ट में वो जनता के हित और जनता के भले के लिए की थी, और वो सबको दिखा महाराष्ट्र में, और वो हो रहा है। तो शिवसेना हमेशा ग्राउंड लेवल पे 80% समाजकरण, 20% राजकरण करती है। ये कांग्रेस और एनसीपी की पॉलिसी शिवसेना को आती नहीं है, जो है मुंह पे है और बेधर्ग है, जो हम सही है तो इसके लिए लड़ते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।